ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोर्ट से 8 सप्ताह का वक्त मांगा। एएसआई की अर्जी पर 8 सितंबर को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले 27 दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है। दीवारों और गुंबदों में मिली आकृतियों और कारीगरों का आकलन किया जा रहा है। सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर की जांचने और परखने में जुटी हुई है। मस्जिद परिसर की पूरी पैमाइश के बाद जीपीआर तकनीक से सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मस्जिद के बाहरी दीवार, पश्चिमी दीवार, ब्याजी तहखाना समेत कई तहखाने, गुंबद और छतों का सर्वे किया गया। इन जगहों की मैपिंग के साथ सैंपल जुटाए गए। बताया जा रहा है कि ये सैंपल को लैब के लिए भेजा गया है ताकि इसकी प्राचीनता का पता लगाया जा सके। और देश भर की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं अगले एक मिनट में। विश्व और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोर्ट से 8 सप्ताह का वक्त मांगा। एएसआई की अर्जी पर 8 सितंबर को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले 27 दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है। दीवारों और गुंबदों में मिली आकृतियों और कारीगरों का आकलन किया जा रहा है। सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर की जांचने और परखने में जुटी हुई है। मस्जिद परिसर की पूरी पैमाइश के बाद जीपीआर तकनीक से सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मस्जिद के बाहरी दीवार, पश्चिमी दीवार, ब्याजी तहखाना समेत कई तहखाने, गुंबद और छतों का सर्वे किया गया। इन जगहों की मैपिंग के साथ सैंपल जुटाए गए। बताया जा रहा है कि ये सैंपल को लैब के लिए भेजा गया है ताकि इसकी प्राचीनता का पता लगाया जा सके। और देश भर की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं अगले एक मिनट।